डी एस्टूडेंट्स ना वी विल डिस्कस हाउ आर्गेनाइजेशन कल्चर कम्स फ्राम एंड हाउ इट कंटिन्यू विदिन दर्गेनाइजेशन आर्गेनाइजेशन कल्चर बेसिकली आर्गेनाइजेशन की जो फाउंडर फिलासफ़ी है वहाँ से ये ड्राइव किया जाता है फिलासफ़ी फ़ीलो philo और सूफी से मिल के बना है फ़ीलो पी एच आई एल ओ फीलो लव को कहते हैं एस ओ पी एच वाई सूफ़ी विजडम को कहते हैं फ़िलासफ़ी लव ऑफ विजडम को कहते हैं उर्दू में इसको अक्लमंदी के साथ मुहबत को कहते हैं फाउंडर फ़िलासफी कि आर्गेनाइजेशन की जिस बंदे ने बुनियाद रखी उस बंदे की अक्लमंदी के साथ कितनी मोहब्बत थी वो कितना लायक था कितना कॉम्पिटेंट था कितना विजन वाला था उससे रूट मिलती है हमें किसी भी आर्गेनाइजेशन के कल्चर की तो दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्टेड थ्रू द विजन एंड मिशन एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द फाउंडर फॉर इंस्टेंट एज वी डिस्क्राइब अर्लियर डब्ल्यू एल कल्चर रिफ्लैक्स आर नॉट फाउंड बाई प्रीवियस कैन एस्टैबलिश दी अर्ली थे बाई आर्टिकुलेशन हम यहाँ पर लोकल एग्जाम्पल लेते हैं मास्टर सोनेक्स सुपर एशिया इसके अलावा टैक्सटाइलफ टेक्सटाइल निशा टेक्सटाइल ये मुख्तलिफ आर्गनाइजेशन के नाम मैंने लिए हैं इन ऑर्गेनाइजेशन का कोई कल्चर होगा अब वो कल्चर डिपेंड कर रहा है कि जो जो लोग इनके मालिक थे आनर थे उस पर डिपेंड कर रहा है अगर फॉरन कंट्रीज़ के एग्जाम्पल लें बिल गेट माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से या और इसके अलावा बहुत सी हज़ारों ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनमें लोगों ने जिसको इस्टेब्लिश किया स्टार्ट किया फिर उस पर एग्जीक्यूट किया पॉलिसीज़ को फिर आगे वो लेके चले अब काफ़ी वो डेवलपमेंट की फ़ेज तय करने के बाद आगे काफ़ी टॉप तक चले गए हैं और लीड कर रहे हैं दुनिया में अब इसमें जो इम्पोटेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जो फाउंडर है उसकी विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव अगर वो बंदा पढ़ा लिखा है सेंसिबल है समझदार है अक्लमंद है वाइज है विजडम रखता है फील्ड में एक्सपोजर है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा ग्रो करेगी उस बंदे की नस्बत जिस बंदे के अंदर इन चीज़ों की कमी है अब यहाँ पे इसके बाद एक अगला पॉइंट है कि वो तो चीज़ें फाउंडर ने दे दी अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि टॉप मैनेजमेंट भी उस कल्चर को कंटिन्यू करना चाहती है कि नहीं अब जो टॉप मैनेजमेंट है अगर वो उन वैल्यूज़ को अडॉप्ट करती है एग्जीक्यूट करती है एग्जिबिट करती है वो सबऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म करती है फिर उनको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करती है तो बिलीव मी उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर स्ट्रॉग कल्चर वाली वैल्यूज़ डिवेल्प होंगी और वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट का बायस बनेगा अब ये वो इम्पोर्टेंट स्लाइड है जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसे आगे फॉरवर्ड होता है स्टोरीज़ की शक्ल में रिचुअल की शक्ल में लैंग्वेज की शक्ल में मटेरियल सिंबल की शक्ल में स्टोरीज एक नया आने वाला एम्प्लॉय सीनियर से पूछता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है वो बंदा एक स्टोरी फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करता है कि किस तरह यहाँ वर्किंग होती है तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन कल्चर लर्न होकर आगे कंटिन्यू होता है रिचुअल किसी चीज़ को अगेन एंड अगेन होना रिचुअल कहते हैं रेपिटेटिव सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ रिचुअल कहलाती है मसलन मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में लेक्चर दे रहा हूँ यहाँ पर मैंने अक्सर देखा है एम्प्लॉज़ अपने कार्ड पहनते हैं अगेन एंड अगेन मैंने देखा ये कार्ड पहन रहे हैं तो ये रिचुअल है रेपिटेटिव सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ इट मीनस दैट

अच्छी तरह चीजें डिसाइडेड हैं डिजाइंड हैं वेल ऑर्गेनाइज हैं वेल मैनेज हैं वेल डेकोरेटेड हैं इट लीव गुड इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अच्छा है हाउ कल्चर अफेक्ट मैनेजर द लिंक टेक फॉर एग्जाम्पल एज सो कॉल्ड रेडी एम फायर कल्चर इन सच एंडीज प्रोजेक्ट एंडलेसली बिफोर कमिटिंग टू दैम मैनेजर जब एनालाइज करेंगे सिचुएशन को अच्छी तरह देखेंगे मैनेज करेंगे उसको एनालाइज करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे तो दिस इज नोन एज रेडी एम फायर हाउ कल्चर इफेक्ट्स मैनेजर हाउ एवर इन रेडी फायर एम कल्चर मैनेजर टेक एक्शन एंड दे एनालाइज वट हैज बिन डन सी एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर सपोर्ट बिलीव दैट प्रॉफर्ट कैन भी इंक्रीज बाई कॉस्ट कटिंग एंड दे कैन कंपनी बेस्ट इंटरेस्ट सर्व बाई दे अचीविंग स्लो बट स्टडी इंक्रीज इन क्वार्टरली अर्निंग्स यहाँ पे जो चीज़ें रही स्टूडेंट्स आपके लिए हम लोगों ने लिखी हैं इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से हम ये कह सकते हैं कि हम कास्ट कम करके प्रॉफिटेबिलिटी को इनहांस करके लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल वैल्यूज़ का ऑर्गेनाइजेशन इमेज बिल्डिंग में इम्पैक्ट आता है गुडविल डिवेल करने में इम्पैक्ट आता है ये चीज़ें अनमैचेबल हैं और कभी भी आप इन चीज़ों को मैच नहीं कर सकते और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को आप क्वेंटिफाइबल टर्म में एग्जैक्ट मैं ये नहीं कह सकते कि उसमें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का कितना अमल दखल है लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की होती है